वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस। आज हम सेल साइकिल पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अकर व्हेन ए सेल डिवाइड। जब एक सेल डिवाइड होता है तो डिवीजन के दौरान ये काफ़ी सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में से गुजरता है। इन सब इवेंट्स को हम सेल साइकिल का नाम देते हैं। सेल साइकिल दो स्टेप में डिवाइडेड होता है। एक हमारे पास है इंटरफेज एंड सेकेंड हमारे पास है एम फेज। इसको हम माइटोटिक फेज या फिर डिवीजनल फेज भी कहते हैं। यहाँ पे सेल डिवाइड करता है और इसमें सेल खुद को प्रिपेयर करता है। इंटरफेज और एम फेज के दरमियान में एक फेज़ आती है जी नॉट फेज। इसको हम क्विसेंट फेज भी कहते हैं। इसमें सेल फर्दर डिवाइड नहीं करता। फॉर एग्जांपल हार्ट सेल्स हो गए, किडनी सेल्स, लीवर सेल्स, नर्व सेल्स, ये ग्रोथ के साथ साथ डिवाइड नहीं करते। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक ये डिवाइड करते हैं, उसके बाद इनके सेल्स डिवाइड करना बंद कर देते हैं। सेल साइकिल का ये पूरा स्केच बनाया हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसको हम देख लेते हैं। सेल साइकिल दो स्टेप में डिवाइड होता है, आपको प्रीवियस बता चुकी हूँ। इंटरफेज के फर्दर बहुत से नाम हैं, फॉर एग्जांपल रेस्टिंग फेज, प्रिपरेटरी फेज, मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज। सबसे पहले साइंटिस्ट का मानना था कि इंटरफेज में कोई मूवमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से इसको रेस्टिंग फेज का नाम दिया गया था। फर्दर रिसर्च से पता चला कि रेस्टिंग फेज में बहुत सी मूवमेंट्स जो हैं वो होती हैं, इसके अंदर बहुत से ऑर्गेनाइज जो हैं वो डिवेलप होते हैं, जिसकी वजह से इसको प्रिपरेटरी फेज का नाम दिया गया। आज की रिसर्च बताती है कि इंटरफेज सेल की सबसे ज़्यादा एक्टिव फेज है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा मूवमेंट और सेल्स की डिवीजन, ऑर्गेनाइज का बनना, ये सब इंटरफेज में होता है। इंटरफेज फर्दर थ्री स्टेप्स में डिवाइडेड है, G1, S, G2 फेज। G1 फेज को हम फर्स्ट गैप फेज भी कहते हैं। इसको हम पोस्ट माइटोटिक फेज कहते हैं, क्योंकि ये M फेज के बाद में आती है। प्री सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, बिकॉज ये S फेज से पहले आती है। ये सेल की सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। इसमें सेल अपना मैक्सिमम साइज जो है वो इंक्रीज करता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज को हम एस फेज भी कहते हैं। इसमें DNA की सेंसेस होती है, मींस एक और DNA डिवेलप होता है। इस तरह DNA सेल में डबल हो जाता है, सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट हो जाते हैं। थर्ड स्टेप है हमारे पास G2 फेज। G2 फेज को हम प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं। M फेज से पहले आती है, इसीलिए इसको हमने प्री माइटोटिक फेज का नाम दिया। पोस्ट सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, बिकॉज ये एस फेज से बाद में आती है, इसीलिए इसको हमने पोस्ट सिंथेटिक फेज कहा है। इस फेज में हिस्टोन प्रोटीन प्रोड्यूस होती है। हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है, जो एस फेज में DNA बना होता है उसको अपने इर्द गिर्द कॉइल करके एक स्मॉल सेल में प्लेस्ड करवाती है। अदरवाइज DNA जो है वो इतना लेंथी हो जाता है कि वो एक सेल में प्लेस नहीं होगा। तो एक स्मॉल से सेल में DNA प्लेस हिस्टोन प्रोटीन की वजह से होता है। फर्दर हमारे पास है डिवीजनल फेज। डिवीजनल फेज फर्दर दो स्टेप में डिवाइड होती है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस आप सब जानते हैं, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस एंड काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। सेम इसी तरह साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस फर्दर फोर स्टेप में डिवाइड होती है, जिसको हम पी मैट कहते हैं। ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन चार स्टेप्स को।